समाज सेवा व गरीब छात्रों की मदद करने में जुटी पुलिस। सुरीर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर दीपक नागर के नेतृत्व में चलाया अभियान। एक तरफ जहां पुलिस की छवि समाज में एक अलग स्थान बनाए हुए है, वहीं गांव देहात के लोग पुलिस के पास बैठने और बात करने में भले ही डरते हों, लेकिन पुलिस महकमे में भी बड़े दिल वाले पुलिस वाले मौजूद हैं, जो आगे आकर अपने खर्च पर समाज की सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहते। थाना सुरीर के पुलिस स्टाफ से उप निरीक्षक दीपक नागर के नेतृत्व में कांस्टेबल गौरव, अनुज एवं रोहित ने सोमवार को सुरीर के एक सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चों को लंच बॉक्स के साथ बिस्किट, टॉफी एवं केले वितरित किए। इससे इस पूरी टीम ने समाज को ये दिखाने की कोशिश की कि पुलिस भी समाज सेवा व गरीबों की सहायता करने में पीछे नहीं है। आपका? सर, मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा, शिक्षा मित्र, इसी में समाज शिक्षा मित्र जी। क्या कार्यक्रम हुआ था सर यहाँ पर? यहाँ पुलिस के कार्यक्रम, पुलिस द्वारा जो मुहिम चलाई गई, जो बच्चों में बहुत बड़ा उत्साहवर्धन हुआ है, उन्होंने जो टिफिन बांट के टॉफी केला आदि चीजें बांट करके बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह हुआ है, जिससे कि एडमिशन के लिए भी बच्चों के माता पिता प्रोत्साहित हो रहे हैं कि भाई आगामी समय में भी ऐसा ही कार्यक्रम चला तो जो है बच्चों को यहीं पे भेजा, ताकि लोग भी, बड़े लोग भी यहाँ पर आकर के देख रहे हैं, प्रशासन भी देखता है विद्यालयों को, इसलिए जो है बड़ा उत्साह लगा है, अभिभावक भी जुड़ रहे हैं इससे। जो कितने बच्चों को टिफिन वितरण किया होगा? तकरीबन 150 बच्चों को टिफिन वितरित हो गया था। आपको कैसा लगा ये? हमें तो सब बहुत अच्छा लगा है, इस तरह से अगर आते रहे तो बच्चे और माँ बापों में बहुत बड़ी जागरूकता फैलेगी, प्राइवेट स्कूलों से उनका जो है भाव जो कम होगा कुछ जो है।